हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंचन कुमारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है कंचन कुमारी किचन चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी, आप लोग के अनुरोध पर रोटी बनाना सिखाऊंगी। कई लोग कमेंट करके बोले हैं हमको रोटी बनाना नहीं आता, कभी उनका आटा गीला हो जाता है, कभी आटा कड़ा हो जाता है, कभी एकदम से रोटी कड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आटा गूंथने से लेकर और रोटी सुंदर सुंदर बने, गोली कैसे बने वो मैं आप सबको बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें, आप रोटी बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले हमको आटा गूंथना सिखाऊंगी। मैंने आटा को सूप में निकाल लिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके आटा को इस तरह से चाल लेना है जिस तरह से मैंने चाल रही हूँ। हमें अब आटा में थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है इस तरह से। ज़्यादा पानी डाल देने पर गीला हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी देकर गूंथ रही हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ रही हूँ इस तरह से। हमें पहले इस तरह से गूंथ लेना है, अब दोनों हाथों के सहारे इस तरह से गूंथना है। हमें अब आटा को कथौत के चारों तरफ से अच्छी तरह से निकाल लेना है और हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से गूंथ लेना है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से गूंथना है। मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथ लिए हैं और आटा को तैयार कर लिए हैं रोटी बनाने के लिए इस तरह से। मैंने यहाँ पर चूल्हा पर गर्म होने के लिए तवा को चढ़ा दिए हैं। हमें अब आटा को इस तरह से कट करके छोटा छोटा लोई बना लेना है इस तरह से, और लोई बन गया है। हमें अब आटा में इस तरह से कर लेना है और हमें चकला बेलना के सहारे इस तरह से बेल लेना है। रोटी को अच्छी तरह से बेल लिए हैं। हमें अब तवा पर रोटी को डाल देना है। हमें कम आंच पर ही रोटी को पकाना है, नहीं तो जल भी सकता है, इसलिए हमें कम आंच पर रोटी को पकाना है। हमें अब पलटा देना है इस तरह से। हमें अब चेक कर लेना है कि रोटी अच्छी तरह से पका है कि नहीं। हमें अब रोटी को इस तरह से देख लेना है, रोटी अच्छी तरह से पक गया है। हमें अब पलटा देना है और इसके ऊपर रोटी डालकर इस तरह से फुला लेना है। रोटी बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।